इस समय मैं ओखला बोर्ड बदरपुर एरिया में हूँ। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका नाम क्या बोला भैया जी? आज मेरे साथ जुड़े हुए पवन जी। आज हम दिखाना चाहते हैं, ये वीडियो बना है छठ पूजा स्पेशल, ये 9th ग्रांड जीरो रिपोर्ट है। तो आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो लोहा जो बनाते हैं लोग और जो बिक्री करते हैं रास्ते के सामने, इनका आप देखिए कि किस तरह से कितना मेहनत लगता है, कितनी गर्मी में इन्हें बनाना पड़ता है। ये आपका नाम क्या बोले सर जी? पवन। पवन सर, सर कब से कर रहे हैं ये काम सर आप? पैदाइशी से। पैदाइशी से कर रहे हैं सर? अच्छा, तो सर ये सामान इसे लोहा से लोहा बनाते हैं ना सर अभी? हाँ जी। क्या क्या बनता है इसे प्रोडक्ट? इससे छेनी है थोड़ा। अच्छा तरुण सर, अगर आप थोड़ा पीछे कर देंगे कैमरा को, क्या आप दिखा सकते हैं क्या क्या सामान बनता है? तरुण सर कैमरा को बैक कीजिएगा सर दुकान का तरफ। तो वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए वो लोहा को तोड़ के उन लोग आग से, तो जितना भी गर्मी हो बारिश हो उससे वो लोग वो कर रहा है। और इनका यही इनका जीवनी है, यही इन लोग रहते हैं घर में रास्ता बनाते हैं। तो ये वीडियो देखने का मकसद ये कि आप लोग समझे, कभी आइए इस तरफ खरीदने सामान, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको और दिखाते हैं यहाँ का। ये भाई आपका नाम क्या बोले? शक्ति। हाँ शक्ति। शक्ति, इनका नाम है शक्ति। शक्ति जी कब से कर रहे हैं ये काम? ये हो गए 5-6 महीने में करते हुए। अच्छा, ये करते हुए। हाँ। ये काम में तो काफी रिस्क भी दिख रहा है हमको, तो ये काम जो कर रहे हैं काफी रिस्क भी तो दिख रहा है। बहुत रिस्क से जल भी जाते हैं और छाले भी हो जाते हैं। अच्छा, रिंग फिर भी करते हैं क्योंकि रिंग करते क्या करे गरीब आदमी, पेट आमदनी होता है सर, हो जाता है, खरीदता है सर सामान। हाँ खरीद लेता है वो, जिसका है ना ठेकेदार वो देता है। आपका नाम क्या बोले? रोहित। रोहित, तो रोहित ये सब सामान जो सिर्फ सीजन में बिकता है, दिवाली में, छठ पूजा में, ये हर समय बिकता है? ये ऑर्डर का माल है, ऑर्डर के बना है। ऑर्डर से बनता है आप लोग, तो उतना प्रॉफिट नहीं है इसमें, मतलब ये जो बिक्री विक्री नहीं होता है। बहुत बहुत बहुत। आंटी जी, आंटी जी नमस्कार, मैं चंदन। आपका नाम क्या आंटी जी? शर्मिला। अच्छा, आप भी यही कुछ काम करते हैं, ये इस तरह का लोहे का सामान, घर का ये सब काम वाम करते हैं? कितने साल से रह रहे हैं इस गली में? बहुत साल हो गए। वो काफी साल हो गए। हाँ। तो यही आपको सुबह शाम से यही लगा रहता है रास्ता के सामने? हाँ। आप लोग बस यही काम में लगा रहते हैं ना, सामान लाते हैं बेचते हैं बाजारों में से। अच्छा, लोग खरीदने आते हैं सब सामान? आते हैं, कभी कभी एक आधा सामान बिक जाता है। अच्छा, और आप लोग यहाँ पानी का सप्लाई आता है? पानी का सप्लाई आता है। सही है, मतलब चल रहा है जुगाड़, टैंकर आ जाता है। हाँ, फिर भी कोई ख्वाहिश मतलब कुछ बोलना चाहेंगे आप दर्शकों को जो देख रहे हैं कि सामान के बारे में कुछ भी कोई खरीदे या कुछ भी? हाँ, यहाँ पे ज्यादा दुकानदारी नहीं होती है। नहीं होती है, लोग भी आजकल बड़े बड़े जगह जगह खरीदते हैं, बट यहाँ पर कोई आता है खरीदने? कभी कभी आता है, उतना नहीं आता है। नहीं आता है, हफ्ते में एक बार एक सामान बिक जाता, कभी दो सामान बिक जाते बस। बस यही ना। चलिए धन्यवाद आंटी जी। उसके बाद सर कहाँ चलते? ये हाँ, ये सामान, ये सब देखे रहे, ये जो लोहा से बन रहा है इससे ही ये सब सामान निकलता है। फिर इसको भाई इससे क्या होगा सर? सर ये वहाँ लगेगा ग्रिलों के ऊपर। ओ अच्छा, ग्रिल का ये सब काम में होता है। ये तो आप शो की तरफ से लगा तो आप हाथ में वो क्यों नहीं पहने? कुछ सेफ्टी के लिए हाथ में कुछ पहनते नहीं है क्यों? क्या करें सर, है नहीं। हाँ है नहीं कुछ, हमारे आदत है सर ऐसे, हमें आदत हो जाती है बचपन से ये काम। काफी रिस्क है सर सब काम, पढ़ाई वाले की है कि नहीं सर? रिस्क का काम है। ओके चलिए सर, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी। और अभी आंटी जी आइए, कौन बात करेगा? नहीं बता देंगे, आ जाओ आ जाओ बंदा, आ जाओ, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, हम लोग बात करते हैं एक साथ बैठ के। सुनो क्या सर, ये दुकान कब से चला रहे हैं आप लोग? करीब 10 साल से। 10 साल से चला रहे हैं आप लोग? यहीं के हैं या अपनी बाहर से आए हैं? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़, राजस्थान से आए हैं। अच्छा, इस क्या क्या बिक्री करते हैं सर? आप क्या दिखा सकते हैं कैमरा को बेक करके, इनके पास क्या क्या सामान है आप बताइए तो? क्या क्या? चूल्हा, अंगीठी और हथौड़ा, छैनी और लोहे का काम करते हैं हम। अच्छा, तो लोग आते हैं खरीदने के लिए? हाँ जी आते हैं। कस्टमर का क्या रहता है ऐसे, मतलब बिक्री होता है उतना, पर उतना तो नहीं होता होगा? मतलब कभी होता है तो बहुत का होता है, नहीं होता तो खाली बैठे रहते हैं। तब क्या करेंगे अगर नहीं होता है बिक्री? तब जब भाई तब नहीं होता तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपना ऐसे ही इनमें टाइम पास करते हैं, चूल्हा अंगीठी बनाने में लग जाते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपने पढ़ाई नहीं की सर? मतलब नहीं, शुरू से नहीं काम में बिजी, पैसा नहीं था, गरीबी था इसीलिए बहुत ज्यादा, उसे तो आपको यहाँ उतना दूर से आना पड़ा यहाँ पर। तो मान लीजिए कोई बारिश का मौसम है, कुछ भी हो है, ज्यादा गर्मी, तब भी सब बिक्री करना पड़ता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से बताओ। चलो हम भी यही ख्वाहिश लेके आए हैं। ये एरिया का नाम क्या है जरा बताएंगे अभी, एड्रेस क्या है? ये है ओखला मोड़।
ओखला बोर्ड, ओखला बोर्ड का जो गली है देख लीजिए आप दर्शकों, सबको बताना चाहता है ये ओखला बोर्ड एरिया है, कभी आइए समय निकाल के इस साइड। कौन से एरिया में पड़ता है? बदरपुर ना ये पड़ता है, एमओएस में मथुरा रोड पे। अच्छा मथुरा रोड पे पड़ता है ना ये, तो आप वही छठ पूजा में आपका क्या प्लान है? छठ पूजा में आप मनाते हैं आप लोग? जी नहीं मनाते हैं, पर हमको तो लोग भी नहीं दिख रहा है खरीदने आ रहा है स्पेशल कोई, ऐसा कुछ आता नहीं लोग? जी नहीं बिल्कुल नहीं। और घर में टीवी भी है आपका? हाँ टीवी है। टीवी देखते हैं? क्या देखते हैं टीवी में? टीवी समाचार वगैरह देखते, फिल्म वगैरह देखते। न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ जी नहीं, न्यूज़ समाचार क्यों नहीं देखते हैं? न्यूज़ जी हमें अमित जी सवार जितने हमारे ऊपर हमें तो फिल्म में इंटरेस्ट है, फिल्म देखते हैं बस। अब स्मार्टफोन यूज करते हैं? जी फोन नहीं। तो व्हाट्सएप कुछ नहीं करते हैं? फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं। तो सुबह शाम बस यही समय लगा रहते हैं एक उम्मीद से कि लोग आए खरीदे। अच्छा और कुछ बोलना चाहेंगे बस वीडियो अंतिम कुछ खत्म, कोई जो भी देख रहा है अगर वो चाहे आने के लिए कुछ बोलना। अच्छा आपका सामान का रेट कितना से है, कितना तक है? हमारा सामान का रेट 2000 है, 2200 है, 200 है। सबसे कम 200 रुपए लास्ट है। उसमें क्या मिलेगा 200 रुपए में? 200 रुपए में हमारी 150 रुपए लागत है, 50 रुपए में बच जाते हैं। अरे बाकी भेजना पड़ता है कहीं बाहर में? हाँ। जी मनवल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, तो ये कारोबार आप कब से कर रहे हैं सर, ये लोहार का जो भी काम है सर? ये कारोबार कर रहा हूँ जी मैं 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से। तो इस कारोबार में कुछ मुनाफा है सर, प्रॉफिट है कुछ? देखो जी प्रॉफिट मुनाफा बहुत था। अच्छा अब प्रॉफिट ना मुनाफा कुछ नहीं है, अब तो सारे फोन पे ऑनलाइन करते हैं और मंगा लेते हैं सामान। हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो सर कोई सीजन होगा जैसे कि दिवाली या छठ पूजा, तब भी कोई खरीदने आता है? दिवाली और सीजन आता है जब ये चूल्हे चाले खरीदने आते हैं, और तो कुछ खरीदने आते नहीं है। और तब भी लोग खरीदने आते भी होंगे, तब भी तो लोग बार्गेनिंग करते होगा मतलब कम दाम में? वो फिर कम दाम करते हैं, दुकान पे जाते हैं, पर्ची लिस्ट लगाते हैं, दुकान से वही रेट ले आते हैं। हमारे पास तो कम दाम करते हैं और हम सही बनाते हो, मशीनों का बना हुआ ले लेते हैं। और आपका भी मजबूरी है कि आप इसको काम नहीं कर सकते, आपको भी एक मजबूरी है कि आपको वो करना देना, बिक्री तो करना ही है आपको ना? अब मजबूरी है हमारी, हमारे को तो बिक्री करना ही पड़ेगा, पेट में रोटी खानी है। तो तीन टाइम खाना खा पाते हैं सर? तीन टाइम पेट भर के? हाँ तीन टाइम पेट भर के खाना, कभी तो हम बहन ऐसे ही सो जाते हैं, चाय पी के सो जाते हैं, खाना कभी होता है? रेगुलर हमारा काम है नहीं, हमारी मांग यही है मकान मिले हमारे को, और हमारे को दुकान मिले काम के लिए, बच्चों के लिए स्कूल मिले, जब हमारा सही होगा। वैसे सरकार हमारे लिए बहुत कर रही है, केजरीवाल बहुत कर रहा है, पानी लाइट सब दे रहा बराबर बराबर दे रहा हमारे को। अच्छा। पानी लाइट बराबर आ रही है, स्कूल स्कूल भी है, तो यहाँ स्कूल बना नहीं है, वैसे इधर उधर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जाती है, यहाँ एक बस आती है वो भी, यहाँ पर बढ़िया स्कूल होना चाहिए बच्चे। ये झुग्गी झोपड़ी है यहाँ कब से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे को हो गए जी 10-15 साल हो गए यहाँ। वैसे आंधी उंधी आती है सर, तब घर टूटता रही है? मस्जिद टूटता है, क्या करें जी, बाहर निकल जाते हैं हम, जो कभी पेड़ पूड़ ना गिर जाए, बच्चों को नुकसान ना हो जाए, क्या करें। वैसे तो हम तो जब से हैं, इंदिरा गांधी थी सब थे, ये जब से हैं तब से हैं, जब से हूँ वोटिंग हमारी सब है। हमारे को सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा ना मकान दिया ना कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, बस हमारी यही चाहते हैं बच्चे हमारे पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़े, हम भी एक नागरिक बढ़िया है, हम भी सब जनता के साथ हैं, हमारा भी नाम आना चाहिए लिस्ट में। वैसे वोट ले जाते हैं हमारे से सब। आप लोग कभी जाके मिलते हैं किसी सरकारी अफसर से कि ये कर दीजिए वो मांग भर्ती कर? बहुत मिले पर कुछ होता नहीं? बहुत मिले कुछ होता नहीं है ना, कुछ करते हैं, मीटिंगों भी जाते हैं बहुत जाते हैं, रैली में भी जाते हैं बहुत जाते हैं हम। चलिए तो हम भी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे अफसर तक कि कुछ भी करे। देखिए ये कोई वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है सर कि किसी को अटैक करे, कोई गवर्नमेंट को या किसी सरकार को, बस एक ख्वाहिश है लोग जी कैसे रह रहे हैं, इतना मेहनत करके कारोबार करके, चाहे गर्मी हो बारिश हो सर, कारोबार तो कारोबार है सर। बिल्कुल कारोबार, गर्मी हो सर्दी हो हम ऐसे रहते हैं, क्या करें। बस अभी ठंडा तो मौसम आ रहा है, तो अभी ठंडा में कुछ कपड़ा वपड़ा गर्म करके है आपके पास? गर्म है, गर्म कपड़ा है, रजाई ओढ़ लेते हैं, जर्सी पहन लेते हैं, और क्या गर्म है। बड़े बड़े तो अफसर हैं, कोठियों बिल्डिंगों में रहते हैं, हीटर जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है हम भी मकान में रहें, हमारे स्कूल बने, दुकान बने, कारखाने बने। चलिए ठीक है। और आपने बार बार एक बात जो बार बार दोहराया, अपने बच्चे को लेके, बच्चे को स्कूल को? हाँ बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए बढ़िया, हमारी कास्ट में नाम होना चाहिए। चलिए बढ़िया नाम होना चाहिए हमारी कास्ट में। वैसे सरकार हमारे लिए कर रही है, बिजली पानी की सुविधा कर रही है, मकान भी दिलाओ। ओके अब जहाँ बैठते हैं वहीं से उठा देते हैं कि भागो। चलिए
ओके सर ठीक है, धन्यवाद मणिपाल जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान, आपका नाम? नंदिनी। नंदिनी, और आपका नाम? माय नेम इज शमिका। समिता। शमिका। समिका, आप लोग स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन से स्कूल जाते हैं? हम ये जो तुगलकाबाद में ना मेन रोड पे स्कूल, वहाँ पे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेवंथ बी। सेवंथ बी पढ़ते हो आप? मैं आप मेरे है ना अभी नाम लिखेगा स्कूल। तो आप लोग घर में टीवी है? Yes. टीवी देखते हो आप लोग? हाँ। टीवी में क्या देखते हो? कार्टून। अच्छा, तो आप लोग तो यही रहते हो झुग्गी झोपड़ी में? हाँ। तो यहाँ पर लाइक कहीं बारिश हो जाने से पानी घर में, घर के अंदर पानी घुसता है? नहीं, नहीं घुसता है। अरे कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना, नहीं। किसी किसी घुसता होगा इसका मतलब? किसी के घुसता है। तो आप लोग अच्छा, तो एक बार मुझे बताइएगा खोल के, एकदम वीडियो भी चल रहा है, क्या समस्या क्या होता है जब रहते हैं आप लोग? कुछ समस्या आप लोग जो होता है यहाँ पे, जैसे हमारा काम धंधा सही चलता है यहाँ पे, हमारे मकान भी है खुद के। अच्छा। दो तीन है कहीं कहीं पे, ये नहीं होता झुग्गी झोपड़ी वाले के मकान नहीं होते, सबके होते हैं। सबके तो नहीं होते हैं, पर हमारे तो है। आपका है? हाँ। सबका नहीं है? हम सबके हैं, हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि काम धंधे की परेशानी है। ओ, अच्छा, आप कहाँ से हो? राजस्थान, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, हाँ मुझे बताया था वो आंटी जी ने, चित्तौड़गढ़ से हो। तो आप लोग स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होता है? हाँ। सरकारी स्कूल में तो पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, मैं प्राइवेट में पढ़ती हूं। अगर आपसे मैं आपसे पूछूं कि आपको एक परेशानी बोलिए यहाँ रहने का, क्या परेशानी बोलेंगे? परेशानी क्या बोलेंगे आप? पानी का। पानी की? आप? पानी का। आप? पानी। पानी की, पानी की क्या समस्या होती है पानी की? जब है ना महीने हो जाते हैं टैंकर आते आते, इसीलिए किसी और से डब्बे हमें रोज को नहाना पड़ता है। आप किसी के घर में रोज थोड़ी ना जा सकते हैं डब्बे वब्बे मांगने, कपड़े भी धोना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। और पीने का पानी का सुविधा होता है? पीने का पानी तो रखा रहता है, फिर जब खत्म हो जाता है जब बहुत परेशानी होती है। आप कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ बोलेंगे? आपने बोला पानी, आपने बोला पानी की समस्या, और आपने बोला पानी की समस्या, और कोई समस्या नहीं है? नहीं, यहाँ पे सबकी जो भी है, यहाँ है ना खाने की समस्या, तो जब जहाँ भी है तो है ना, तो वहाँ पास पास दुकानें होती है, यहाँ दूर दूर दुकानें हैं गली में वहाँ पे, इसलिए। तो ये आप बोलना चाहेंगे? और हम एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए ट्यूशन लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ट्यूशन मतलब कोई सब्जेक्ट का, कोई सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मतलब जो ट्यूशन पढ़ाने आते चार बजे, चार बजे से पाँच बजे तक, ऐसे ट्यूशन। कोई सब्जेक्ट चाहते हैं? इंग्लिश का हो, साइंस का हो, किसका हो? मैथ। अच्छा, मैथ का। आप किसके लिए चाहेंगे ट्यूशन? मैं हिंदी में भी कुछ ले, इंग्लिश। इंग्लिश का? और आप? इंग्लिश। अच्छा, आप इंग्लिश, इंग्लिश, और आप मैथ? मैथ पसंद है बहुत भैया, हम तो मेज डरते हैं, हम तो मेज, हम तो टीचर भी नहीं लिए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए आपके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होती है। अच्छा, और आप? मेरे लिए इंग्लिश और साइंस। अच्छा, आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है? हाँ। किताब मतलब सब मिलते हैं? किताब? हाँ, सब मिलता है। कॉपी बाहर से खरीदनी पड़ती है। कॉपी का दाम कितना पड़ता है? एक कॉपी का 40 रुपए। 40 रुपए? किसी का 30, किसी का 20। कलम खरीदना पड़ता है? कलम बाहर से? हाँ, पेन। पेन तो स्कूल से किताब मिलता है? स्कूल से। हाँ। तो आप लोग का एक सब्जेक्ट था उसमें होता होगा पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स नहीं है? हाँ है। सिविक्स, सिविक्स। आपका सब्जेक्ट क्या क्या है क्लास सेवन में? मेरा हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ऑल साइंस और सामाजिक। अच्छा, और SST, ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। पूरे सब्जेक्ट ऑलरेडी सब्जेक्ट 11 है। अच्छा, और ग्रामर के हटा के। ठीक है, आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं ना? मैनेज कर लेते हैं सब कुछ। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे वीडियो समाप्त करने का पहले? और कोई ख्वाहिश किसी से जो लोग वीडियो देख रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जब मम्मी सीरियल देखती है ना तो बड़े बड़े घर होते हैं, उन बच्चों के साथ सब कुछ होता है, इसलिए थोड़ी सी जलन होती है कि इनके साथ, इनके पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं है। जैसे कि सर, मतलब हमारा मतलब है यहाँ पे पेन कॉपी ये इनकी सुविधा और हो जाए बच्चों के लिए, और पढ़ने लग जाए ट्यूशन। ट्यूशन अगर पेन कॉपी हो तो हम जो बड़े बच्चे हैं ना वो भी क्लासेस दे सकते हैं, पर पेन कॉपी की सुविधा हो जाए। पेन कॉपी की बस? पेन कॉपी। इन्होंने बोला कि बड़े बड़े महल में वो देखने का, वो जो देखते ना हम लोग सीरियल में बड़े बड़े गुड़िया लेके टेड बियर को, यहाँ पे बच्चों को गिफ्ट मिलता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं,
इस वजह से पेन कॉपी का गिफ्ट बना के हम दे सकते हैं। पर वो बांटने आते हैं ना खिलौने बांटने आते हैं ना, तो ये सब ले जाते हैं वो, और आधे बच्चों को नहीं मिलता। हम सोचे मैं तो बिठा के सबको मिले एक एक आता था, और इस वजह से कोई कॉपी बांटना चाहता उसके पास पैसे वैसे नहीं है हमारे में से, इस वजह से कॉपी पेन की सुविधा में चलता है ना खिलौना वाला मिलने का। आप क्या बोलेंगे, आपको नाम क्या है? मैम शिव। शिव, आपको क्या लगता है समस्या क्या होता है जब रहते हैं आप लोग झुकी झुकी यहाँ पर जो रहते हैं, कुछ समस्या आपके पानी पढ़ाई किसी चीज को लेके जो आप बोलना चाहेंगे वीडियो में, कुछ समस्या आपको जैसे इन्होंने बोला पानी का, इन्होंने बोला इस चीज का, आपको कुछ बोलना है? पानी का आपका भी पानी का समस्या है ना? यस मैम। चलिए ठीक है, तो हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद आप सभी का। और हम भी और कुछ बोलेंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस तरह देख के बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। इन पे लाइक भी मिलेगी? बोलिए ना, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलेंगे? चलिए लाइक शेयर कमेंट बनता है, और इनका बात जरूर सुनिएगा। थैंक यू, बाय, कट।